एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और स्वागत आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल पे। ये एक पीछे देख लो, आज बहुत महंगा महंगा सामान खड़ा हुआ यहाँ पे, बहुत महंगा महंगा। तो भाई साहब, कम से कम 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा जो सारी बेच दूते किले आ जाएंगे, किले मुरथल में, ठीक है। और ये वाली सुपर मीटियोर आ चुकी है नई, जो कि आप 650 cc सुपर मीटियोर में पूरा हेडलाइट वगैरह बिल्कुल सेम दे रखी है, जो कि इनकी दे रखी है। इसमें मेन स्टैंड दे दिया है सुपर मीटियोर में, इसमें नहीं दिया है। इसके लिए मेन स्टैंड के लिए थोड़ा सा मुझे कल भी भटकना पड़ा, करोल बाग में नहीं मिला मेन स्टैंड के बाद। अब आते हैं इसके इंजन साइज पे। भाई साहब, दोनों का थोड़ा थोड़ा सा सेम है, बिल्कुल लगभग ही। और यहाँ से इंजेक्टर का अगर कवर वगैरह देखें, या फिर पूरा का पूरा बिल्कुल क्लासी, जिसे बोलते हैं ना क्रूजिंग बाइक के हिसाब से दे रखा, क्रूजिंग बाइक के। और यार साइज बहुत बल्कीनेस फील होता है इसमें, बहुत बल्कीनेस। अगर मेन स्टैंड पे देखें, अगर मेन तरफ से देखें तो कितनी ख़तरनाक लगती है बाइक डबल साइलेंसर में। अच्छा, अब बाइक्स इंट्रोड्यूस करवा दूँ, GT सुपर मीटियोर, हार्ले 883, और फिर दोबारा अपनी GT कॉन्टिनेंटल विद AEW एग्जॉस्ट। तो काफ़ी बढ़िया इनका भी साउंड वगैरह, अभी आगे का कंसेप्ट दिखाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो भाई अभी भाई इसका सेटिंग पोस्चर वगैरह चेक कर रहे थे, और भाई बहुत ख़तरनाक सेक्सी बाइक है, बहुत बढ़िया बाइक, बहुत ख़तरनाक बाइक है ये, ठीक है। अब आते हैं हार्ले 883 पे। हार्ले 883 बहुत ज़बरदस्त, 47 BHP, 50 BHP, 47 BHP, टोटल का टोटल ये लगा लो आप, भागता हुआ, जिसे लोकल में बुल बोल देते हैं, वो चीज़ें हैं, पावर बेशुमार जिसे बोलते हैं भाई, अगर हाईवे पे चला रहे हो तो। सुपर बाइक्स को छोड़ के कोई भी प्रेजेंस रखता हो, कोई भी ट्रक, कार, एनीथिंग, कोई भी सुपर कार, एनीथिंग पकड़ने की ताकत रखते हैं ये सारे के सारे, चारों के चारों बाइक्स। गाइस, ये वाली हरियाणा की पहली सुपर मीटियोर निकली है भाई। इसका कंसेप्ट ये है कि हरियाणा में सबसे पहली बार ये वाली निकली थी। अच्छा, इसका BHP कितना है? सॉरी, BHP पावर 47 पावर और टॉप दोनों का सेम है। दिल्ली में करोल बाग में भी सारे शौक हो गए थे इसको देख के कि क्या लेके आए हो आप, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने ज्यादा देखी नहीं थी बाइक। और करनाल की तो पहली है ही है, जहाँ पे भी जाओ अपने आप अटेंशन खींच लेती है। अटेंशन ग्रैब करने में तो A1 पे भाई। So, hey guys, everyone, स्वागत आप सभी का Gears Are Here पे। Right now we are standing here, और आज हम दिखाने वाले हैं आपको राइडिंग जैकेट्स, बहुत सारी राइडिंग जैकेट्स वगैरह, कोई भी आपको प्रोडक्ट चाहिए हो, राइडिंग जैकेट्स, पैंट्स वगैरह, चैन वगैरह, कुछ भी, एनीथिंग, मतलब कि चैन ल्यूब हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी बाइक से रिलेटेड होती हैं। तो आज हम आए हैं गियर्स आर हेयर पे, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, फिलहाल गियर्स आर हेयर पे स्वागत आप सभी का, और हम आए हैं एक ऐसे स्टोर पे जहाँ पे आपको बहुत सारी राइडिंग जैकेट्स वगैरह, एक से एक ब्रांड, सारे ब्रांड्स में अगर आपको दिखा देता हूँ, पहले देखो एक बार, राइडिंग जैकेट, स्लीपिंग बैग्स वगैरह, शूटिंग मैट्स वगैरह, एवरीथिंग। सो हे एवरीवन, अभी हम आ चुके हैं अंदर, और भाई साहब एक से एक हेलमेट ऑफ रोडिंग वगैरह के भी मिलते हैं आपको यहाँ पे, और हेलमेट्स वगैरह जो भी आपको चाहिए भाई, जो भी, इतनी बढ़िया बढ़िया जैकेट्स मिलेंगे ना आपको, एक बार देखो फिलहाल। रंग और ये ना, मतलब इसकी, हाँ, लुक्स इसकी बढ़िया लग रही है, ऐसे में और हो जाएगी, अपना साइज मिल रहा है तो ये सबसे बढ़िया शॉप है। तो भाई, इस शॉप पे सारे साइजेस अवेलेबल हैं, कोई प्लस साइज में हो, कोई माइनस साइज में हो, सारे साइज अवेलेबल हो जाएंगे। भाई रविश, कौन कौन से साइज अवेलेबल होते हैं यहाँ पे? भाई मैं खड़ा हूँ सबसे ऊपर का साइज है मेरा, मैं करोल बाग में भी नहीं मिला, मेरे करोल बाग में भी नहीं मिला, यहाँ पे मेरे को मिलना, मेरा साइज मेरे लिए तो करोल बाग से ऊपर। तो सबसे बेस्ट शॉप हुई नहीं हुई? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक से एक बेटर क्वालिटी के हेलमेट्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह, पैंट्स वगैरह, राइडिंग से रिलेटेड बहुत सारा सामान अवेलेबल है, कैंपिंग से रिलेटेड भी चीज़ें ऑन ऑर्डर मिल जाती हैं,
और राइट नाउ आपको स्लीपिंग बैग्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल मिलेगा, माइक्स वगैरह भी और ट्राईपॉड्स वगैरह हो गया, लाइट्स वगैरह हो गया, कैंपिंग लाइट्स वगैरह एवरीथिंग। गाइस राइट नाउ अभी अपने सामने पेश है बेनली जो कि 600i, जिसका साउंड आप सभी को पता है कितना ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साउंड है इसका भाई। और अभी हम क्या बोलते हैं गेयर सारे एयर पे आए हुए थे, तो फिलहाल यहाँ पे भाई आए हुए थे, इनकी आवाज़ सुनी था तो मैं इधर ही आ गया कि भाइयों को ना उधर लेके चलते हैं शॉप पे और उधर सब क्या वीडियोस बनाएंगे। राइट नाउ द बेनली 600i और भाई साउंड इसका ना पूरे यूट्यूब पे जिसे बोलते हैं फेमस है यार, इससे ऊपर मेरे ख्याल से साउंड इतने उसमें 600i में लगता नहीं मेरे को किसी बाइक का होगा। और अभी रेव करते हैं ना तो कितना प्यारा साउंड देती है। ओए होए होए बहुत प्यारा साउंड है भाई, बहुत प्यारा। तो ये रहा भाई का लोगो, ये भाई दिल्ली से आए हुए हैं सारे के सारे, DL36 राइडर। तो भाई को सब्सक्राइब करो भाई जितने भी हो भाई, इतनी प्यारी सुपर बाइक है ना, इससे बेटर सुपर बाइक मेरे को नहीं लगता कि एक बजट राइडर कोई भी राइडिंग कर रहा है और 600cc में अगर किसी को चाहिए तो इससे बेटर मेरे को नहीं लगता बाइक कोई सी भी है। एक नंबर बाइक है भाई, एक नंबर भाई निंजा। ओए होए 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 300cc इंजन है इसका और काफ़ी बढ़िया बाइक है भाई, बहुत बढ़िया बाइक। तो दोस्तों यहाँ पे 51 माइलस्टोन पे आज की राइड संडे राइड और सारी की सारी बाइक्स यूनाइटेड हो चुकी हैं और भाई साहब द ब्यूटीज आर कॉम्पैक्टेड। ओए होए 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 ये एक नंबर। तो राइड्स बाइक गियर सारे यार भी आज राइड खत्म हुई अपनी और बहुत सारी बाइक्स आई हुई हैं आज। तो क्या है कि सुपर मीटियोर और अपनी GT में एक थोड़ा सा मुझे लगा कि कंपेरिजन है कि जैसे ही इसका मीटियोर का यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है जबकि अपने में है क्या चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, ठीक है ये चीज़ है डिफरेंस में। तो ये एक अपडेट आप ले सकते हो नए मॉडल्स के बारे में जो भी 2023 में आए हुए हैं। और देखो एक बार यार बाइक दोनों आ चुकी हैं और बहुत सारी क्यूरियोसिटी लोगों के मन में रहती है कि AEW लगवाएं या फिर गुरु सेवक लगवाएं। गुरु सेवक का साउंड थोड़ा सा बल्की है, थोड़ा सा बेसी टाइप है, बेस है उसमें साउंड में। तो आइए थोड़ा सा बेस आपको दिखाते हैं एक बार और साउंड ये लगा लो कि दोनों का बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल अलग साउंड। तो अभी साउंड है गुरु सेवक का और थोड़ा सा बेस टाइप में है, थोड़ा सा फील करना आप। और ये साउंड इसका गुरु सेवक का। साइलेंसर ब्रांडिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है गुरु सेवक की और थोड़ा सा इसका साइज भी देखें तो दोनों के दोनों में साइज़ में बहुत डिफरेंस है। देख लो ये वाला AEW है और ये वाला गुरु सेवक है, दोनों का मफलर का साइज़ देख लो कितना डिफरेंस है। तो यार साउंड में भी डिफरेंस आएगा ही आएगा लेकिन ये वाला बहुत बेसी साउंड है। और AEW आपने बहुत सारी ऑनलाइन वीडियोस देख रखी होंगी यार AEW, लेकिन मेरे को AEW से बेटर लगता नहीं है अगर आप लॉन्ग राइड्स भी करते हो, अगर आप मतलब राइड के ऊपर टेस्ट है अगर राइड्स के ऊपर टेस्ट है अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो तो AEW थोड़ा सा ठीक है कि आपको सहारा दे देगा, सिर में दर्द नहीं करेगा। ओए होए 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 हार्ले, तो अब हुई है हार्ले स्टार्ट। अभी दोस्तों एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, एक चीज़ मेरे को ध्यान में आई कि ये वाली GT मिस्टर क्लीन सेम एज इट इज़ और ये वाली GT मिस्टर क्लीन सेम एज इट इज़, मगर कंपैरिजन क्या है, ईयर भी दोनों का सेम है 2023, ये भी 2023, ये लगा लो कि मार्च के 10 मार्च को निकली थी, ये निकली थी 22 मार्च को। कंपैरिजन क्या है, हेडलाइट, इसकी हेडलाइट सिंपल है जो पहले आती थी होलोजन बल्ब है और इसमें देखो आप LED दे दी। उसके बाद दूसरी चीज़ क्लच लीवर्स वही हैं पुराने वाले सिंपल और कंट्रोल्स भी वही वाले हैं सिंपल, ये वाला भी देख सकते हो आप क्लच लीवर सब कुछ सिंपल वही वाला। उसके बाद अब इस पे देखते हैं अपग्रेडेशन, सेम मॉडल है, सेम ईयर है और सेम कलर है, बिल्कुल सेम एज इट इज़। ये अपग्रेड कर दिया, लाइट्स अपग्रेड कर दी, कंट्रोल्स अपग्रेड कर दिए, इसमें चार्जर वगैरह दे दिया। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ चार्जर, ये रहा इसके नीचे, यहाँ से ये चार्जर खुलता है, आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई यार,
कि और इस चीज़ के ना क्वेश्चंस भाई के कुछ हो के आए भी थे अपनी पुरानी वाली वीडियो पे कि यार मेरा मॉडल सेम ही है 2023 का ही, लेकिन उस पर ये अपग्रेड वगैरह नहीं दिए, वो क्यों? तो मे भी जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो, या फिर स्टॉक वगैरह जो भी है, स्टॉक वगैरह के पार्ट्स वही निकाले हैं इन्होंने, और ये एक चीज़ है भाई अपडेट की। तो कमेंट में प्लीज़ बताएं कि आपकी मीटियोर या फिर आपकी जीटी या फिर आपकी बुलेट किस अपडेट के साथ आ रही है और कौन सा ईयर मैन्युफैक्चरिंग का है। तो एक और चेंज जिसे मैं बताना चाहूँगा, 2023 मॉडल सेम है, ठीक है, जैसे की बात चल रही है 2023 इसमें C8 के टायर्स दे रखे हैं, और जबकि बात करें अगर इसकी तो इसमें अपोलो सेंचुरो के दे रखे हैं मेरे ख्याल से, ये कोई वेट्रेन के टायर हैं इसके सेंचुरो के, और आगे भी सेंचुरो है, ठीक है, ये लिखा हुआ सेंचुरो, देख लो आप सभी देख लो सेंचुरो। तो एक ये इसमें कंपैरिजन है, एनफील्ड पता नहीं सामान ख़त्म हो गया या क्या कर रही है भाई, सामान ऐसे ही जुगाड़ करके भेज रही है, ठीक है, उसमें बढ़िया टायर्स दे रखे हैं, इसमें नहीं अच्छे जो नई आई है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, आज का संडे यहीं पर समाप्त होता है, तो लाइक करें सब्सक्राइब करें वीडियो का, और मैंने जितनी भी अपडेट्स वगैरह थी आज की वीडियो में दे दी हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे आपके। तो बने रहिए वीडियो पे, बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना जिन्होंने GT ऑर्डर कर रखी है, और प्लीज़ बी पेशेंस रखो, बाइक आपकी आएगी और मेरे ख्याल से अपग्रेड के साथ आएगी या अपग्रेड के साथ नहीं वो मुझे पता नहीं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।